Hello friends, in this video tutorial of idioms and phrases, we are going to learn the idiom browbeat. To understand it well, let's first break it down into two parts, brow and beat. Your brow is your forehead and we know what beating means. If you beat someone or something, you hit them very hard, like you can see in the picture. So when someone browbeats you, they are giving you a beating with their mouth and their mind. It's like intimidating or frightening someone with threats or a domineering manner. The other popular synonymous words or phrases are to bully, to terrorize, or to boss around. Now to give you a point of reference, we would like to share a short clip from the recent flick Mari. So have a look. तो फिर पुलिस वाले का इधर क्या काम है? जहाँ गुंडागर्दी होगी वहीं अब पुलिस वाला भी होगा। गुंडागर्दी? हम तो शांति से इन कबूतरों को उड़ाते हैं, तो आप इसको गुंडागर्दी कैसे बोलते हो सर? हम तो इनको अपने सम्मान के लिए उड़ाते हैं, ना कि बेटिंग के लिए। लगता है आप उनके किसी दुश्मन ने आपको गलत खबर दी है। दुश्मन उन्हीं के होते हैं जो गलत काम करते हैं। चले जाइए सर, आप उन पुलिस वाले को सिर्फ एक ही बार अच्छे से बोलता है। ऐसी धमकियों का मुझ पर कोई असर नहीं होता। मेरे पास एविडेंस है जो तुझे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा देगा। एविडेंस, 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 एविडेंस। बंदर की शक्ल, इधर आ। अरे इधर आना। अच्छा अच्छा अच्छा, जल्दी आ जा रे। क्यों बे, पिछले साल तूने चीटिंग की तो तेरी क्या हालत की थी मैंने पता है ना। इस बार तो तेरी एंट्री फीस पर ही मैंने बैन लगा दिया, लेकिन इस बात के लिए तेरे को पुलिस वालों को मेरी झूठी कंप्लेंट देने की क्या जरूरत थी? नॉटी, यहाँ पे कोई इलीगल काम नहीं होता, तू जानता है ना? अरे सारी आपका दोस्त है, आप और अच्छे से जानता है इसको। बोलना, बता ना साहब को क्या चलता है यहाँ पे। क्या तू भी याद कर रहा है? डरता है क्या? बोलेगा नहीं क्या? अबे मुंह में जबान नहीं है क्या तेरे? सर, कंट्रोल सर। पूछो इससे, यहाँ पे कोई गलत काम होता है क्या? वट लो। चलिए सर, चलते हैं। चलिए। सो फ्रेंड्स, डिड यू सी हाउ धनुष वॉज ब्राउ बीटिंग द पुलिस इंस्पेक्टर इन द सीन? आई होप यू डिड। सो नेक्स्ट टाइम when you witness something similar, do make use of this word in your sentence. This will surely help you learn the idiom. So keep learning and have a great time.